तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मियन। तो स्वागत है आपका एक चीड़े फाइव की वीडियो में। तो गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखो गाइस, पीछे की तरफ ट्रेवर एक बंदे को बहुत ज्यादा पूरे तरीके से पीट रहा है। और हाँ यार, ये कोई मेरा दुश्मन नहीं है। इसने वैकोस को कुछ बोला था तो यार उसके एरिया में आ गया था। पता नहीं शायद ड्रिंक वगैरह करके आ गया होगा ट्रेवर के एरिया में, और ट्रेवर ने इसकी लोकेशन को ढूंढ लिया। और सीधा ना भाई, यहाँ पर पागलों की तरह मैंने इसको आते हुए देखा। और मैं भी यहीं कहीं अपनी मैकलेरन लेकर के घूम रहा था, और जब मैंने देखा कि ट्रेवर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो मैंने भी इसका पीछा करा। और ये एक अपार्टमेंट में आया, और देख रहो गाइस, यहाँ इसकी कहानी चली रही है। ये इस बंदे को कब से पीटता जा रहा है। और हाँ यार, ये कह रहा है कि देख भाई, वैकोस मेरी गैंग है और मैं वैकोस का लीडर हूँ, और तेरी हिम्मत कैसे हुई वैकोस गैंग के बारे में कुछ बोलने की? यही सब यार इसका रोज का है, हर किसी से लड़ता रहता है। तो चलो यार, आ ही जाएगा ट्रेवर, तब तक ना मैं अपनी मैकलेरन आपको दिखा देता हूँ। ये यार सेल के लिए आई थी, लेकिन ना आपके भी कॉमेंट्स आए और कुछ मेरा भी दिल ऐसा करा कि इस मैकलेरन को हम लोग सेल नहीं करेंगे। क्या हो अगर मैं इस मैकलेरन को पर्सनली रख लूँ? और मैंने इसकी टेस्टिंग वगैरह करी, मतलब यार चीड़ फाड़ नहीं करी, मैंने इसको रेस ट्रैक पर भगाया, इधर गलियों में ड्रिफ्ट मारी, वहां पर मारी, लेकिन आखिरकार मेरे को ये मैकलेरन बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी है। फाइनली गाइस, ये जो मैकलेरन है अपनी फैमिली का न्यू हिस्सा बन चुकी है। और भाई ये इतनी जल्दी आ गया उसको पीट करके, और भाई पैदल ही मैंने उसको भागते हुए देखा था। और एक मिनट, मैं उस बंदे की हालत देख करके आऊं, ट्रेवर ने उसको मार दिया कि छोड़ दिया? मेरे को ये नहीं पता। ट्रेवर कह रहा है कि बस माइकल हो चुका है काम यहाँ पर। यार ट्रेवर है, कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है, इसने उसको पूरा ही ख़त्म कर दिया। और बाकी फायर फाइटर्स वगैरह के, पुलिस वगैरह के मेरे को सायरन तो सुनाई दे रहे हैं। इससे पहले कि वो लोग आए अपने ऊपर पर्चा वगैरह करें, हम लोग यहाँ से निकलते बनते हैं। आ जा भाई ट्रेवर, जल्दी से ना गाड़ी में बैठो। और भाई देख रहे हो यार, ये लोग कैसे रुक रुक करके देख रहे हैं, और एक तो पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहा। और ऊपर की तरफ देख रहे हो, सामने एम्बुलेंस आ चुकी है, क्योंकि किसी ने कंप्लेंट करते हुए कि यहाँ पर किसी की डेथ हो चुकी है। तो चलो गाइस, अब जल्दी से ना अपने को भी ना यहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर के निकल लेना चाहिए। और हट जाओ भाई, एक तो ना यार मैं थोड़ा बहुत ना इसको मॉडिफाई करवाऊंगा। वैसे ना जो प्लेन सड़क होती है उस पर अपनी मैकलेरन बहुत ज्यादा स्मूथ चलती है। दिक्कत वहां पर होती है जहां पर देख रही है छोटी छोटी सरफेस है ना ऊपर की तरफ, तो दिक्कत यहां पर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो चलो यार, अब जल्दी से ना मेरे को इस टाइम पर जाना है लेस्टर के पास। और लेस्टर को अभी अभी उस पॉलिटिशियन का कॉल आया था, और वो जो पॉलिटिशियन है कह रहा है कि तुम्हारी बाकी की पेमेंट अभी पड़ी है। मतलब उसने 80% हमें ना पेमेंट पहले कर दी थी, और उसके बाद 20% पेमेंट अभी हमने उससे लेनी बाकी है। तो बस यार वही ना, लेस्टर का अभी मेरे को कॉल आया था, कह रहा था कि जब मैं तेरे को कॉल करूंगा बस यार तुम वहां पर पहुंच जाना उसके घर पर पेमेंट वगैरह लेने के लिए। हम लोग कॉल का क्या वेट करें लेस्टर के पास ही चलते हैं उससे मिलने के लिए। लेकिन एक मिनट, इसने मेरी मैकलेरन को बहुत ज्यादा गंदा ठोक दिया। एक मिनट भाई, जल्दी ट्रेवर बैठ। अब तो यार पहले तू लड़ करके हटा है, और इस टाइम पर ना मैं लड़के दिखाता हूँ ट्रेवर। एक मिनट, ये देख रहा, गलती इसी की है, जिस हिसाब से ना ये भाई पक्का नशे में ड्राइव कर रहा है। रुक जा बेटा, अब तो मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। एक तो नमी गाड़ी जब भी चलाओ, और एक आंटी चला रही है भाई, उसको दे देती तो ऐसी दिक्कत नहीं आती। तू उतर पहले इधर से, तेरे को मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला। और ये जो अंकल है या तेरा हस्बैंड है, जो भी है ना, या तेरा ब्रदर है, कुछ भी होगा ये, इसको उतारो पहले। और इसकी हिम्मत कैसी हुई देख रहे? ओ भाई, वो तो भाग गई है वहां से गाड़ी लेकर के, अपनी मैकलेरन को भी ठोक करके जा चुकी है। और इसकी हिम्मत कैसे हुई अंकल? देखो, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे को छोड़ करके भाग गई है, और ये अपने से लात मुक्के खा रहा है। तो निकल जा, बहुत ज्यादा गंदा पीटूंगा। तो सही है यार, बाकी उस लेडीज की गलती थी, हमने जेंट्स को बिन बात की पीट दिया। वैसे ड्राइव किसको करना चाहिए? लेडीज यहाँ पे कोई भी चीज नहीं देनी चाहिए। तो चलो गाइस, अब जल्दी से ना हम लोग यहाँ से ना अपनी गाड़ी को भगाते हैं, चलते हैं सीधा लेस्टर के पास। ओके, तो गाइस मैं और ट्रेवर अपनी गाड़ी को लेकर के पहुंच चुके हैं सीधा लेस्टर की लोकेशन पर। और लेस्टर भाई साहब यहाँ पर अपने घर के बिल्कुल सामने गोल्फ खेल रहा है। तो चलो गाइस यार, वैसे ना उसका मेरे को कॉल नहीं आया, वो बिजी है। मैंने उसको कॉल करा और मैंने बोला भाई तेरा मेरे को कॉल नहीं आया। कह रहा है कि यार वो जो पॉलिटिशियन है ना, अभी उसका भी मेरे को कॉल नहीं आया, तब तक ना तू मेरे पास ही आ जा। तो हम लोग भी लेस्टर के पास पहुंच चुके हैं। तो जल्दी से ना अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ पर मैकलेरन को गाइस पार्किंग में लगाते हैं। और हाँ यार, अपने पास लंबोर्गिनी काउटैच है, चेस्को है, फूडो गाड़ी है, लेकिन उन सबसे मेरे को स्पेशल गाड़ी ये वाली लगती है। और आप लोग भी कमेंट्स कर देना कि आपको चारों गाड़ियों में से कौन सी वाली गाड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। मेरे को तो पर्सनल फेवरेट सही में अभी तक तो मैकलेरन लग रही है। और बाकी टॉमी ब्लू शर्ट है, तो ये पक्का टॉमी होगा। अब जल्दी से ना इसके पास चलते हैं। और बाकी देख रहे हो गाइस, पूरे ग्राउंड में
इतनी ज्यादा शांति है ना, तभी लेस्टर यहाँ पर आता है और पीछे की तरफ बंदे तो हैं, तो जल्दी से टॉमी से बात करते हैं और ये यहाँ पर थोड़ा बिजी है। ओके तो गाइस मेरी से पूरी बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि जो लेस्टर है वो पानी के पास है, और भाई मेरे को लेस्टर तो दिख चुका है और इसके साथ में है सीजे। भाई मैं आपको बताता हूँ ये लोग पानी में क्या कर रहे हैं इस गोल्फ स्टेडियम के अंदर। होल में बॉल डालनी होती है, इतनी सी बॉल आपको पता है, लेस्टर ने ऐसा शॉट मारा कि पूरे तालाब में बॉल फेंक दिया है और ये लोग यहाँ पर बॉल को ढूंढ रहे हैं। तो एक काम करते हैं ना, लेस्टर को भी धक्का मार देते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई यार मैं इसको धक्का मारने के चक्कर में खुद ही गिर गया। तो चलो छोड़ो, इसे हम लोग सिंपल बातचीत करते हैं। ओके तो यार इस टाइम पर लेस्टर कह रहा है कि जब तू यहाँ पर पहुँच रहा था ना, उसके बाद मेरे को उस बंदे का कॉल आ गया था, तो जल्दी से ना अब हम लोग उसकी लोकेशन पर चलते हैं। तो सही है लेस्टर, तू अपना बोल ढूंढ और मेरे साथ जाने वाला है ट्रेवर। बाकी ना मेरा मन नहीं है ट्रेवर को साथ में लेकर के जाने का, लेकिन यार ट्रेवर खुद कह रहा है कि देख भाई माइकल, मैंने उस पॉलिटिशियन को नहीं देखा है कि वो कौन है, उसके पास कितनी पावर है, कितना बड़ा उसका बंगला है और कैसी कैसी गाड़ियां उसके पास हैं और कितना पैसा है। तो जल्दी से ना उसके पास चलते हैं। और बाकी देख रहे हो ये लोग भी तो इतनी प्रॉपर गोल्फ खेल रहे हैं, और लेस्टर पता नहीं भाई अलग ही नशे में है, पूरी तेज की शॉट मार रहा है और पूरी देख रहे हो समुंदर के अंदर ही, मतलब समुंदर नहीं है वो, एक तरह का छोटा सा तालाब है, उसके अंदर ही बॉल को फेंक दिया है। तो चलो भाई अब जल्दी से हम लोग चलते हैं अपनी मैकलेरन में बैठ करके। और यार पहले मैंने ना एक साइड को मैकलेरन को रखा था, दूसरी साइड 2.0 को रखा था, लेकिन उस पॉलिटिशियन को 2.0 पसंद आई, ऐसा क्यों हुआ मेरे को नहीं पता। तो सही है यार, अपने को मैकलेरन मिल गया, उसको 2.0 मिल गया, और क्या ही चाहिए। और ये ट्रेवर पहुंच चुका है, तो जल्दी आया कर भाई, एक तो इतने ज्यादा गुस्से में रहता है ना, पूरे एटीट्यूड में ही आता है। अब जल्दी से ना ट्रेवर अपने साथ बैठ तो चुका है और लेस्टर ने अपने को लोकेशन भी बता दिया उस पॉलिटिशियन की। अब देखना पड़ेगा जो उसका घर है वो दूर तो बहुत ज्यादा है, अब देखा जाएगा भाई अपनी मैकलेरन की ना इसी हाथ स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं, देखा जाएगा इसको ना पूरा मैं भगाने वाला हूँ। और बाकी हट जाओ यार सामने की तरफ से यार, नहीं 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 नहीं, नहीं थोड़ा सा आराम से भाई, इसका जो रेस है वो बहुत ज्यादा तेज तो है, ये बात तो है, लेकिन जब इसका ब्रेक मैं मारता हूँ ना गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है यार। अब ये चीज तो मेरे को बैनी से ना सही करवानी पड़ेगी। एक व्हीकल में क्या चाहिए, एग्जॉस्ट चाहिए, एग्जॉस्ट तो इसको सही सही है, हम लोग इसका एग्जॉस्ट भी चेंज करवा सकते हैं। जो जो कमी आपको लग रही है आप कमेंट्स में बता देना। एक तो मैं अभी इसको ना लॉस सैंटोस कस्टम से पूरा वॉश करा करके टेंट वगैरह निकलवा करके लेकर के आया था, और यहाँ पर लॉस सैंटोस में देख कर ही बंदे चिढ़ जाते हैं ऐसी गाड़ियों को। तो चलो छोड़ो, अब जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाते हैं, पहुँचते हैं यहाँ से सीधा उस पॉलिटिशियन के घर पर। ओके तो गाइस इस टाइम पर ना मैं अपनी मैकलेरन को लेकर के ट्रेवर के साथ पहुंच चुका हूँ उस बंदे के बहुत ज़्यादा क्लोज, और उसका लेफ्ट साइड में घर है 909 और हम लोग बिल्कुल उसी लोकेशन पर है, और यही वो घर है ना। हाँ भाई देख रहे हो सामने की तरफ मेरे को 2.0 नज़र आ चुकी है, और यार मैं इसको पार्किंग में लगाऊं तो अपने को ना पहले पूरा घुमा करके गाड़ी को लेकर के आना पड़ेगा, और बाकी ये इतना सही रहेगा यार, क्योंकि हम वो तो पॉलिटिशियन है, गवर्नमेंट में काम करता है, तो उसके सामने तो ऐसे रूल्स वगैरह नहीं तोड़ सकते। तो थोड़ा सा आगे ही सही, और हम लोग फाइनली उसकी लोकेशन पर पहुंच तो चुके हैं और हमने अपनी गाड़ी तो पार कर दिया। लेकिन यार मैं ट्रेवर को ना बोलता हूँ कि तू भाई यहीं पर रह, क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है ना इसके घर पे। ट्रेवर तू मेरे पीछे मत आ भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, यहीं पर तू खड़ा रहे, चाहे तू गाड़ी में आराम से एसी में बैठ। चलो गाइस ट्रेवर कह रहा है कि ठीक है वो जो बंदा बैठा है मैं उससे बातचीत कर लेता हूँ। भाई यार वो कोई रिश्तेदार होगा या तो उसका छोटा कोई ब्रदर होगा, ये बिन बात के ना फंसा दे। और देख रहे हो ये एक फरारी है, मेरे को दूर से लगा कि एक जेस्को है, लेकिन ये एक रेड कलर की इटालियन फरारी है। और देख रहे हो उसके राइट में जो हमारे शोरूम से 2.0 गई है, ये गाड़ी वो है। वो चल के एक बार इसके सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हैं कि अपने को कहाँ पर जाना है। चलो यार मेरी सिक्योरिटी से पूरी बात तो हो चुकी है, और ये बोल रहे हैं कि इस टाइम पर सर अंदर हैं, आप अंदर जा सकते हो, लेकिन वहाँ कोई मीटिंग चल रही है तो थोड़ा सा वेट कर लेना। और इसके घर के हम लोग अंदर तो पहुँच चुके हैं, और ये कोई सिक्योरिटी का बंदा खड़ा हुआ है, बाहर की तरफ भी सिक्योरिटी है। गाइस ये एक पॉलिटिशियन है तो सिक्योरिटी तो होगी ही होगी, और आगे की तरफ भी सिक्योरिटी है। और ये लोग कह रहे हैं कि अपने को राइट साइड में जाना है, मतलब हमें सामने जाना है। और बाकी ओ भाई एक मिनट, ये देख रहे हो कितना ज़्यादा ड्रग्स है,
ये पॉलिटिशियन है, ये काम भी करता है, मेरे को नहीं पता था, लेकिन ड्रग्स तो बहुत ज़्यादा, कुछ भी बोलो। और ये बैठा हुआ सामने, लेकिन यार एक मिनट, हमें वेट करना है, जैसे कि उसकी सिक्योरिटी वाले ने बोला था ना। और बाकी हम लोग ना यहाँ पर खड़े होकर के वेट कर लेते हैं। और आगे की तरफ देख रहे हो, बिल्कुल मेरे सामने इतने मिलियन डॉलर्स का ड्रग्स पड़ा है। अगर हम लोग इसको बेचते हैं ना, तो पैसा बहुत ज़्यादा बन जाएगा अपने पास सही में। लेकिन ये एक पॉलिटिशियन है, अगर गलती से भी पकड़े गए तो सीधा मौत की सजा भी हो सकती है। ओके, तो गाइस इस टाइम पर ना वो बंदा खड़ा हो चुका है और वो यहाँ से जा रहा है। शायद से इसकी पूरी डील हो चुकी है। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। पता नहीं भाई ये पॉलिटिशियन है कौन कौन सी बातचीत करते हैं। और वो किसी रूम में जा चुका है, शायद से इसी का कुछ बंदा होगा। और बाकी यार इनको अकल बिल्कुल भी नहीं है, बियर की बोतल यहीं पर फेंक करके जा चुका है। और इससे ना हम लोग बातचीत करते हैं। सर क्या मैं आपके सामने बैठ सकता हूँ क्या? ओके, तो यार मैं इसके पास बैठ तो चुका हूँ। और ये कह रहा है कि देखो भाई, पहली दिक्कत तो तुम्हारी टायर्सों की ये है कि वो चलते चलते बंद हो जाती है। अब मेरे को नहीं पता, मैं उसको दुबई से लेकर के आया हूँ। अब मैं भाई उसको ब्रांड न्यू लेकर के आया था और मैं इसको बोल भी रहा हूँ, देखो सर अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो मैं आपकी गाड़ी को रिपेयर करवा दूंगा। कह रहा है कि हाँ, एक देख उसमें दिक्कत ये है कि वो चलते चलते बंद हो जाती है और उसका एक एग्जॉस्ट मेरे को जचा नहीं। तो सही है, अगर हम लोग ये काम कर देंगे तो ये पेमेंट पूरी आज के आज ही करवा देगा। तो यार मेरे को लगा कि ये अपने को पेमेंट करवाएगा, लेकिन ये तो कह रहा है कि पहले मेरी गाड़ी को रिपेयर वगैरह करो, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी पेमेंट करूंगा। पर जो भी है गाइस, वो बात छोड़ो, ड्रग्स तो बहुत ज़्यादा है। मेरा सारा ध्यान यहाँ के ड्रग्स पर जा रहा है। और ये ड्रग्स मैं आपको बताता हूँ बहुत ज़्यादा मिलियन डॉलर्स का होगा। और पर लेकिन अब मेरे को पता, आप लोग बोलोगे इसको चुरा ले मैं भाई चुरा ले, लेकिन इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। ये सिक्योरिटी देख रहे हो कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, ये ना अपनी गेम बजा के रख देंगे चुटकियों में भाई। इनको टाइम ही नहीं लगने वाला था, जल्दी से बैठ। ट्रैवलर्स का तो दिमाग चाट गया यार सबका सब। चलो यार मैंने ड्राइवर को ना बोल तो दिया है, देख मैंने इसको मैनुअल पे सेट कर दिया, अब तो इसको ड्राइव कर सकता है। और हाँ यार ड्राइवर, तू गाड़ी लेकर के आगे जा और मैं भी इस टायर्सो 2.0 को लेकर के तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो अरे नहीं, फरारी में कहाँ बैठ रहा हूँ मैं, अपने को टायर्सो 2.0 में बैठना है। तो सही है यार, हम लोग टायर्सो 2.0 में तो बैठ चुके हैं। आ जा भाई ड्राइवर। अब देख रो गाइस, उस पॉलिटिशियन की गाड़ी अपने पास है। एग्जॉस्ट तो मेरे को सही लग रहा है यार, वही बंदा थोड़ा सा ना पागल लग रहा है मेरे को। लेकिन ओ भाई, हल्की सी रेस दी, कितनी ज़्यादा स्पीड पकड़ लिया इसने। देख रहे हो गाइस, इस टाइम पर ना टायर तो 2.0 मैं ड्राइव कर रहा हूँ और ट्रैवर कर रहा है मैकलैरन गुड ड्राइव। और अपने को क्या काम करना है, ये चलते चलते बंद हो जाती है, वो ऐसा बोल रहा है। लेकिन यार मैं ना इसको आराम से चला रहा हूँ, और वो बंदा क्या करता होगा, फर्स्ट गियर पर इतनी ज़्यादा स्पीड में भगाता होगा ना, तभी ऐसा काम होता है। लेकिन एक बार मैं भी इसको भगा करके देख लेता हूँ। ओ भाई, गाड़ी पूरी ओपी है, जो मर्ची बोलो दोनों की दोनों। और ड्राइवर तो उसको चला रहा है ना आराम से यार, वो तो ड्रिफ्ट मारता उसको लेकर के जा रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। तो चलो यार, अपने को क्या काम करना है, इसके पीछे रहना है, क्योंकि ना ड्राइवर का हाथ थोड़ा सा ना टाइट है ड्राइव वगैरह करने में। और भगा ले ड्राइवर भाई, देखा जाएगा जो भी होगा। और एक बार ना इससे मैं अपनी गाड़ी को आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ। भाई क्या ही, कितनी ज़्यादा स्मूथ कटिंग कर रही है यार ये गाड़ी, मेरे को तो कोई दिक्कत लग नहीं रही है इस गाड़ी में। बाकी उस पॉलिटिशियन का मेरे को नहीं पता उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। और मेरे को ना इस साइड से आना था, क्योंकि बैनी के शोरूम पर हम लोग जा रहे हैं और जो उसके शोरूम का रास्ता है वो इस साइड से है। तो जल्दी से गाइस, अपनी गाड़ी को ना हम लोग चलते हैं सीधा बैनी के शोरूम पर लेकर के। ओके, तो गाइस इस टाइम पर ना मैं अपने टायर्सो 2.0 और ट्रैवर अपने मैकलैरन को लेकर के पहुंच चुके हैं हम दोनों के दोनों बैनी के शोरूम पर। और हाँ यार, बैनी को मैंने कॉल कर लिया है और वो अपने शोरूम पर ही है। और चलते हैं सीधा इसके शोरूम के अंदर। और बाकी ट्रैवर आ रहा है ना पीछे पीछे, यार उसको देख लो, वो अलग ही कट मार करके सब पब्लिक को परेशान कर रहा है। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ ही जाएगा। और वो पहुँच भी चुका है, लेकिन अभी तक तो भाई साहब ये पूरी गाड़ी को सही प्रॉपर ड्राइव कर रहा है। तो आ जा भाई ड्राइवर, इसको लेकर के अपने को चलना है सीधा अंदर। तो चलो गाइस, इस टाइम पर ना मैं अपनी गाड़ी को लेकर के अंदर की तरफ तो पहुंच चुका हूं। और बाकी बैनी की वाइफ यहां पर है और बैनी सामने की तरफ है। और ट्रैवर भाई, तू आराम से ना यहां पर अपनी गाड़ी को रोक दे बस,
और वर्कर है वैनी, मतलब एक ही वर्कर है, चीफ की शायद से छुट्टी है आज, और जो दूसरा वर्कर है वो भी हॉलीडे पे होगा, और बहनी चिल्लाने में लगा हुआ है इसके ऊपर। और सुन भाई मैं आ चुका हूँ। ओके यार, मेरी पूरी बहनी से इस टाइम पर बात हो चुकी है, और बहनी कह रहा है कि ठीक है माइकल, मैं ये काम तो कर दूंगा तेरे लिए, लेकिन इस गाड़ी को सामने की तरफ पार्क कर दे। तो चलो यार, अपने को ना इसको रिपेयर वाले पॉइंट पर सेट करना पड़ेगा, मतलब यार इसको यहाँ पर करना पड़ेगा हमें पार्क। और ट्रेवर यार सामने से हटेगा क्या? अपनी मैकलरन को इसने ठोका तो है, लेकिन उसके आगे ना प्रोटेक्शन गार्ड्स लगे हुए हैं, जिस करके उसको इतनी भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। और जल्दी से इसको ना हम लोग यहाँ पर कर देते हैं पार्क, और सही है, बस इधर सही रहेगा, क्योंकि ना गाइस ये काम खुद बैनी कर लेता, लेकिन बैनी के आज दो वर्कर्स हॉलीडे पर हैं, तो बैनी कुछ ज़्यादा ही दिमाग इसका ख़राब हुआ पड़ा है। और लेकिन वो कौन सी गाड़ी है? जहाँ तक मेरे को याद है ये एक चीता है, मतलब चीता वो वाला चीता नहीं, गाड़ी का ब्रांड चीता है। देख रहे हो गाइस, एक बार ना इसको मैं ड्राइव करके देखता हूँ। भाई सही में गाइस, ये चीता बहुत ज़्यादा लाउड है। और चलते हैं सीधा आगे के तरफ, और पैनी भाई पूरा ना गाड़ी को मॉडिफाई करते, जैसे जैसे तेरे को मैंने समझाया बिल्कुल वैसे ही कर दे। तो चलो गाइस, पैनी ने वहाँ पर ना गाड़ी का काम करना तो शुरू कर दिया है, और पैनी कह रहा था माइकल अभी मेरे को 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, तब तक ना तू ऊपर ऑफिस में जा करके वेट कर सकता है। और हाँ यार, वो जो पॉलिटिशियन है वो कह रहा था कि आज ही मेरे को गाड़ी चाहिए रिपेयर करके, तब तुम्हारी मैं 20% जो पेमेंट बची हुई है उसको पूरा कर दूंगा। तो सही है यार, बाकी उसकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो अपने कस्टमर है, और अगर हमारी कोई गाड़ी में दिक्कत आती है तो अपना ही फर्ज बनता है ना उस गाड़ी को पूरा रिपेयर करना। तो जल्दी से ना हम लोग यहाँ पर चल करके बैठ जाते हैं। और भाई ये कौन सी लंबोर्गिनी है, अगर आपको पता तो जरूर से कॉमेंट्स करके बता देना। चलो गाइस यार, मेरे को ना यहाँ पर वेट करते करते पूरे 3 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और बैनी का ना मेरे को कॉल आ गया, और बैनी कह रहा है कि माइकल तू सो गया है क्या? सही में गाइस, मैं ऊपर सो गया था। और जल्दी से चलते हैं, और बाकी सामने जो विंटेज गाड़ी थी उसकी जगह एक विंटेज आ चुकी है, मतलब वो पहले विंटेज गाड़ी वहाँ थी वो पूरी रिपेयर होके वहाँ हो चुकी है, तो सही है। और जो चीता है वो शायद अब रिपेयर के लिए जाने वाली है, और पैनी ने शायद से पूरी गाड़ी को रिपेयर कर दिया है। आपको चेंजेस नहीं लग रहे होंगे, लेकिन वो तो चला कर ही पता चलेगा। सही है यार पैनी, मैं तेरी पेमेंट तेरे को बाद में कर दूंगा, अभी मेरे को यहाँ से जाना होगा। और ये ड्राइवर क्यों डरा रहा है यार? तो चलो गाइस, इस टाइम पर ना हम लोग इस वाली गाड़ी में बैठते हैं, और ड्राइवर भी अपनी गाड़ी में बैठ चुका है। वो भाई मेरे को लग रहा है कि पैनी ने पूरा इसका साउंड चेंज कर दिया है। एक मिनट, इसको ना बाहर जा करके इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं। भाई इसको कितना ज़्यादा इसने एनर्जेटिक सा कर दिया ना भाई, ओपी साउंड लग रहा मेरे को इस टाइम पर। तो चलो गाइस यार, मैं अपनी गाड़ी को बाहर की तरफ तो लेकर के पहुंच चुका हूँ, और आज भाई ट्रेवर आराम आराम से, और जो अपनी मैकलेरन है ना पैनी ने उसको भी थोड़ा बहुत रिपेयर कर दिया है। और दोपहर तो हट चुकी है, शाम होने वाली है, और एक बार इसको मैं भगा करके चेक करता हूँ। ओके तो गाइस, इस टाइम पर देख रहे हो गाड़ी की जो स्पीड है। अब जल्दी से अपने को क्या काम करना है, इसको लेकर के जाना है उस पॉलिटिशियन के पास, और हाँ यार वहाँ पर जा करके अपनी जो 20% पेमेंट है उसको लेकर के आना है। और एक काम कर सकता हूँ मैं भाई, इसको ना यहाँ पर ना थोड़ी इसकी साउंड वगैरह चेक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ना इसकी इंजन की साउंड पसंद आ गई है। ओ भाई मैंने ऊपर से इसको जम करा दिया है सही में। और अपनी मैकलेरन कहाँ पर है ट्रेवर भाई? अब मेरे को ट्रेवर का नहीं समझ आ रहा कि वो कहाँ पर गया है। फाइनली गाइस, ट्रेवर भी सामने की तरफ आ चुका है जैसे कि आप देख रहे होगे। तो चलो यार, एक बार ना इसकी हम लोग पूरी भगा करके स्पीड टेस्ट कर लेते हैं गाड़ी की। भाई वैसे ये गाड़ी आपको दिखने में बेशक छोटी सी नज़र आ रही होगी, लेकिन जो इसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा ओपी है। ये गाड़ी पूरी रेस के लिए ना बहुत ज़्यादा बेहतर लग रही है मेरे को। और हाँ यार भाई साहब, कितनी 14 खतरनाक वाली स्पीड है यार, 350 की तो स्पीड इसकी है ही है नॉर्मल। और अपने को ना गाइस इसको ब्रेक मारना होगा, और इसको ना वापस से यहाँ से लेकर के चलते हैं। और कहीं ट्रैवर आ रहा हो सामने से, और उसने अपने अगर बीच में टक्कर मार दी तो समझ रहे हो ख़त्म ही हो जाएगी भाई, गाड़ियाँ दोनों बेकार हो जाएंगी। अब जल्दी से ना गाइस, इतना काफ़ी रहेगा आज के लिए, और हम लोग इसको लेकर के वापस से चलते हैं पॉलिटिशियन के क्लोज। और यार ट्रैवर से ना वो गाड़ी उतरी नहीं है क्या? मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। ओ भाई 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 भाई, जल्दी से बाहर आ जा। ओ भाई सही है यार, बहुत ज़्यादा ओपी लग रही है। और हम लोग क्या यहाँ से इस गाड़ी को भगा करके लेकर के, नहीं यार स्क्रैच वाला काम हो जाएगा, लेकिन ट्राई कर सकते हैं हम लोग। नहीं यार यहाँ से ना पॉसिबल नहीं है, तो एक काम करते हैं भगाते हैं गाड़ी को यहाँ से, और शायद से ये यहाँ से बाहर की तरफ तो निकल चुकी है। ओ भाई
दिक्कत तो नहीं हुई। ओ भाई साहब देख रहे हो यार, स्क्रैचेस वगैरह तो इसमें आ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, प्रॉपर है यार। जैसे कि हम लोग जहां से भी इसको जंप कराएं वहां से ये गाड़ी जंप कर ले रही है। पहले ना गाइस एक काम करते हैं, हम लोग ना इस गाड़ी को पॉलिटिशियन के पास डिलीवर कर देते हैं, उसके बाद मैं ट्रेवर को कॉल करूंगा, क्योंकि ट्रेवर इस टाइम पर पूरा चिढ़ चुका होगा सही में, क्योंकि एक तो वो पीछे रह जा रहा है उस गाड़ी को लेकर के, और ऊपर से जो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो इतनी सी है भाई, आपको सब कुछ पता ही है, वो थोड़ी सी टकरा जाती है। तो जल्दी से इसको भगाते हैं यहाँ से, पहुंचते हैं सीधा उस पॉलिटिशियन के घर पर। चलो गाइस यार, इस टाइम पर ना मैं अपने टैसो 2.0 को लेकर के पहुंच चुका हूँ सीधा उस पॉलिटिशियन के घर पर, और बाकी ना इसको हम लोग जल्दी से ना पार्किंग में लगा देते हैं। और देख रहे हो उसने ना अपने पॉलिटिशियन को कॉल कर दिया है, और इसको ना हम लोग प्रॉपर जैसे लेकर के गए थे वैसे इसको हमने पार्किंग में तो लगा दिया है, और बाकी एक बार इनसे बातचीत अपने को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना परमिशन के हम लोग अंदर नहीं जा सकते। और सर यार वो सर आपके पॉलिटिशियन कहाँ पर है, हमने उनसे बातचीत करनी है। चलो गाइस इसने अपने को परमिशन तो दे दिया है अंदर जाने के, और ये बोल रहे हैं ठीक है यार सर पीछे की तरफ होंगे, व्यू एंजॉय कर रहे हैं शायद से, पता नहीं ऐसा कुछ बोला, मेरे को समझ बिल्कुल भी नहीं आया। और हाँ यार पॉलिटिशियन ने भी अपने को पूरा बता तो दिया कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये तो वॉशरूम है ना यार, इस वॉशरूम में कहाँ ही भटक गया हूँ। और अपने को ना हर एक रूम चेक करना पड़ेगा जहाँ से हम लोग बाहर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये उसका बेडरूम है। और एक काम करते हैं ना, जो ड्रग था वो एक किचन थी, मेरे को याद है वहाँ पर सारा ड्रग रख रखा था, और बाकी ओ भाई ड्रग के नाम पे एक भी ड्रग नहीं है, और पॉलिटिशियन मेरे को दिख चुका है वो सामने की तरफ है। तो अपने को ना सीधा बाहर के रास्ते पर जाना है, और अपने को चाहे से यहाँ, अरे यार इन्होंने मेरे को ये बता दिया कि जल्दी से उस रास्ते से चला जाए, इतनी ज़्यादा स्पीड में बताया, मैं सही में भटक चुका हूँ किस रास्ते से जाना है। तो एक काम करते हैं, ये एक लास्ट टूर है, इस वाले टूर से हम लोग बाहर पहुंच गए भाई, फाइनली पहुंच गए, शुक्र करो, नहीं तो ये लोग ना मेरे ऊपर मत्थे पे गोली वगैरह भी ठोक सकते हैं, क्योंकि ना मैं इनके घर में पागलों वाली हरकत कर रहा हूं, तो गाइस कुछ भी ये लोग कर सकते हैं। तो चलो यार यहां पर एक पूल है, और व्यू देख रहे हो कितना ज़्यादा ओपी व्यू ये बंदा इंजॉय कर रहा है। तो इसके पास चलते हैं एक बार, इससे पूछते हैं सर देखो आपकी पूरी गाड़ी आ चुकी है, अब पेमेंट कर दो हमारी। ओके तो गाइज इससे मेरी पूरी बात यहाँ पर हो चुकी है, और ये कह रहा है कि 2 मिनट वेट कर, मेरा यहाँ पर एक गार्ड पहुँचता ही होगा और वो तेरे को ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। और यहाँ पर इसका गार्ड आ चुका है, और इससे पूरी बात करते हैं, और ये पेमेंट अपने को पूरी की पूरी अभी कर देगा। तो फ़ोन निकालते हैं, सर ठीक है यार कर दो जल्दी से पेमेंट। चलो गाइज फाइनली अपनी पूरी यहाँ पर पेमेंट डन हो चुकी है, और देख रहे हो यार एक तो न्यू टैसो 2.0 थी, पक्का इसी ने कुछ गड़बड़ करी होगी, लेकिन ये एक पॉलिटिशियन है तो हम लोग इसको बिन बात के नहीं बोल सकते। और हाँ यार पूरी अपनी पेमेंट हो चुकी है अब 100%, 80% तो इसने लेस्टर को पूरी कर ही दी थी, और बाकी की 20% इसने अप कर दिया पेमेंट। और हम लोग भी यहाँ से चलते हैं सीधा बाहर की तरफ, और बाकी ये बंदा ड्रग का भी बहुत ज़्यादा तगड़े वाला काम करता है। देख रहे हो जब हम लोग यहाँ पर आए थे उस टाइम पर ड्रग था, लेकिन अब जब हम लोग यहाँ पर आए तो ड्रग अब बिल्कुल भी नहीं है। तो यार एक तो वो, बाकी बात छोड़ो ड्राइवर कहाँ पर है, एक बार उसको कॉल कर लेता हूँ। भाई ड्राइवर भाई यार तू कहाँ पर है यार, मेरी गाड़ी लेकर के गायब हो गया, मेरे पास नंबर, हाँ भाई ड्राइवर का तो नंबर हो गई ना माइकल के पास, अब जल्दी से मैं उसको कॉल करता हूँ, इसी लोकेशन पर उसको बुलाता हूँ जल्दी से। फाइनली गाइस मेरी ड्राइवर से पूरी बात तो हो चुकी है, और वो बोल रहा है कि बस मैं पहुंचने वाला हूं, और देख रहो भाई साहब वो पहुंच चुका है। ओ भाई पागल है क्या यार, आपने इसकी हरकतें देख ही ली होंगी, इसने ऐसी ब्रेक मारी है आकर के, पूरी गाड़ी को इसने ऐसे करके खड़ा कर दिया यार, ड्राइवर तो ओपी है सही में। अब जल्दी से ना हम लोग भी अपनी मैकलैरन को लेकर के यहाँ से चलते हैं सीधा लेस्टर के पास, और उसको जा करके बता ही देते हैं कि पूरी पेमेंट हो गई है डन। तो जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाते हैं, चलते हैं सीधा लेस्टर के पास। गाइस यार इस टाइम पर तो मैं लेस्टर के पास जा रहा था, लेकिन ड्राइवर कह रहा है कि ये मैकलैरन को टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये कितनी ज़्यादा ताकतवर है। तो ये कह रहा है कि इसको ऑफ रोडिंग पर भगा, ये चलती भी है कि नहीं, लेकिन भाई ये मर गया क्या, भाई सब बच गया यार। देखो यार एक तो इसको ऑफ रोडिंग पर भगाना पड़ रहा है ना, मैं इसको कह रहा था कि हम लोग सिटी में है लेस्टर के पास पहुंच लेंगे, कह रहा है कि नहीं मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये ऑफ रोडिंग में कैसे चलेगी। अब देखते हैं गाइस एक बार ड्राइवर को भगा करके इसको दिखा देते हैं, और देख रहे हो मैं ना इसको ऐसे रास्ते पर भगा रहा हूँ ना जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, और आगे की तरफ नहीं 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 भाई ये क्या है भाई भाई ओ भाई एक मिनट, नहीं 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 मेरे को लगा कि ये कोई नॉर्मल बंदे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अपनी मैकलैरन तो सेफ लैंडिंग कर चुकी है, लेकिन ये पक्का कोई गैंग है, ये अपना ही वेट कर रही थी। तो आ जा भाई ड्राइवर, अब तो अपने को कुछ दिखाने पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम लोग आए देख रहे हो ये लोग ना अपना ही वेट कर रहे थे, और ये अपने पीछे आना शुरू हो चुके हैं। जल्दी से ना हमें ना क्या काम करना, कवर में आकर के इनको सबसे पहले मारना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, अपनी मैकलैरन को
थोड़ा आगे पीछे करते हैं पैट पाई ड्राइवर अपनी गाड़ी में। भाई कसम से पीछे तो बहुत ज्यादा बंदे हैं। अब मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता ये कौन से वाले बंदे हैं। अपनी दुश्मनियां कई जगह चल रही हैं। एक तो मिलिट्री कार्नल का कोई डीलर है, उससे भी दुश्मनी चल रही है। भाई एक वो जो लेस्टर का फ्रेंड है ना हैकर, उससे भी दुश्मनी चल रही है। तो देख लेंगे भाई सबको साथ में। तो चल निकल इधर से, उसके हेड पड़ाओ, इसके भी तुम्हारे भाई ने हेड बजा दिया तो इसके भी बजा दिया। और तू बेटा मरेगा बिल्कुल, बचेगा नहीं। चल इधर से। वो भाई उसको क्या ही देख रहा है, देख लो ड्राइवर ने उसको मार दिया। और यहाँ पर एक बंदा और आ रहा है, तो इसके जल्दी से ना हेडशॉट मार देते हैं। सही में यार, जो जो बंदा अपने क्लोज आना शुरू कर रहा है उसको तुम्हारा भाई हेड बजा दे रहा है। तो जल्दी से ना सबको खत्म करेंगे, किसी को भी नहीं हम लोग छोड़ने वाले। चल निकल इधर से। ओ भाई ये देख रो, पता नहीं ना जाने ये गैंग कौन सी है। एक तो डर करके भागना शुरू हो चुका है। तो गाइस एक बंदा यहाँ पर है, तो इसको तुम्हारे भाई ने मार दिया और यहाँ पर ट्रेवर ने इसको मार दिया है। बाकी यार आगे की तरफ से तो बंदे बहुत ज्यादा आते जा रहे हैं। और नहीं नहीं नहीं, नहीं पहले ट्रेवर हम लोग ना कवर में चलते हैं। भाई जो वेस्ट है ना, मैं नहीं चाह रहा कि वो भी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाए और उसके बाद भाई वेस्ट नहीं होगी तो हम लोग इनसे फाइट कैसे करेंगे। तो जल्दी से पहले ना मैं कवर में चलता हूँ। आ जा ट्रेवर, तू भी आ जा। और मेरे पास और कोई वेप, ओ भाई ये कौन सी गन है, ये यूजी है ना जहाँ तक मेरे को लग रहा है। एक बार देखते हैं भाई साहब, बंदे तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और इनके जो ड्रेस है ना, सब ड्रेस नॉर्मल है, तो ये किसी एक गैंग के बंदे हैं। आओ बेटा, किसी को भी नहीं मैं छोड़ने वाला, जल्दी से ना सबके हेड बजा दूंगा। और ट्रेवर तू भी मार रहा है ना। ओ भाई उस ऊपर से एक बंदा आ रहा है, इसको भी तुम्हारे भाई ने ख़त्म कर ही दिया है। और नीचे से भी इतने ज़्यादा बंदे आ रहे हैं। अब मैं आपको क्या बताऊँ, अब जल्दी से ना स्टिकी बॉम्ब का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। तो चल निकल इधर से। और यहाँ पीछे से एक बंदे आ रहे हैं, तो इनको भी ख़त्म करते हैं। भाई धमाका है ना बहुत ज्यादा तगड़ा। चल निकल इधर से। ओ भाई ये कुछ बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या। एक पिस्टल मारी है, मतलब शॉटगन मारी है, वो बंदा उड़ कर ही पूरा गिर चुका है। तो बंदे बहुत ज्यादा आते जा रहे हैं। ट्रेवर एक काम कर भाई, जल्दी से ना गाड़ी में बैठ, तो तू मरेगा बेटा, तू बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। भाई जल्दी से अपने को ना अपनी गाड़ी को यहाँ से लेकर के निकलना पड़ेगा। ट्रेवर भाई जल्दी से बैठ। ओ भाई ये तो ना अपनी गाड़ी की पूरी ऐसी तैसी कर देंगे। अपने को ना अपनी मैकलेरन को निकालना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पर परफेक्ट लैंडिंग तो हो चुका है तुम्हारे भाई की मैकलेरन की। पर कुछ भी बोलो गाइस, ये जो मैकलेरन की स्पीड भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है और वैसे गाड़ी दिखने में भी बहुत ज़्यादा ओपी है। तो ये चीज़ मेरे को सही लग रही है, थोड़ा कवर भी रहेगा। और देख रहे हो बंदों ने ना अभी भी हार नहीं मानी है, इनको ना मरना है। उसको क्या देख रहा है, तू खत्म होने वाला है। तो सही है यार। और मैंने तीन चार बंदे यहाँ से भी देखे थे भागते हुए आ रहे थे मेरी तरफ। और इस टाइम पर भाई यहाँ से आ रहे हैं ये लोग, देख रहे हो एक यहाँ पर आ रहा था। चल निकल भाई, क्या गंदे वाला हेड बजा दी तुम्हारे भाई ने इसके। और यहाँ पर तू भी चल बेटा, मर जा इधर से। सही है। और दो तीन बंदे कुछ यहाँ से आ रहे हैं, इसको भी मार दिया। और तो नहीं है ना कोई, किसको दवाई चाहिए, इसको फिर से चाहिए, तो चल मर जा इधर। सही है भाई, इसको अब हमने फाइनल खत्म कर ही दिया है। चलो गाइस इतने ज्यादा बंदे हमने मार दिए हैं ना, अब तो हम लोग लेस्टर के पास चलते हैं और उसको बोलते हैं, भाई लेस्टर ये कौन सी गैंग है जो अपने ऊपर अटैक कर दे रही है। अब मेरे को नहीं पता भाई ये गैंग कौन सी, लेकिन एक मिनट, अरे नहीं यार ये पुलिस वालों को किसने कंप्लेंट कर दिया शायद से। यहाँ पर जो नॉर्मल बंदे हैं ना पलीटों के, इन्होंने ही पूरी कंप्लेंट कर दी होगी। एक मिनट, इसको भी ना मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो चल निकल इधर से, उसको तो तुम्हारे भाई ने मार दिया है। और बाकी जो मेन दिक्कत देंगे वो देंगे चॉपर्स, मतलब हेलीकॉप्टर। और एक काम करते हैं, उतर ट्रेवर, इनको ना अब तो बचाना ही पड़ेगा। अपनी स्नाइपर में शिफ्ट होते हैं और एक बंदा आ रहा है, तो चल निकल इधर से। पहले ना गाइस जो बंदे अपनी अपनी गाड़ी देख रहे हैं ना, उनकी गेम बजानी पड़ेगी। ओ भाई क्या ही मारा इसने उसको और मैंने इसको मार दिया। तो चल गंजे निकल इधर से। तो सही है, अब इतने बंदे मैंने मार दिए हैं और ट्रेवर अपने को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। और हाँ यार, जो जो बंदे मेरी शक्लें देख रहे हैं उनको पहले ख़त्म करूँगा, बाद में ना भागूंगा यहाँ से मैं। एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो आने दो भाई हेलीकॉप्टर को, इसको तो मैं ना पूरा ख़त्म कर दूंगा। नहीं ये ऐसे नहीं मानने वाला, ये मानेगा एक स्नाइपर से, जिसका मेन ड्राइवर है ना, जो पायलट है भाई, उसको मैं ना डाउन कर देता हूँ। एक मिनट। चल निकल इधर से। तो फाइनली गाइस तुम्हारे भाई ने इसके पायलट के ना बचा दिए एक स्नाइपर, और उसके बावजूद भी ये हेलीकॉप्टर अभी भी हटा नहीं है। तो फाइनली इस टाइम पर तुम्हारे भाई ने वो हेलीकॉप्टर को कर दिया है ब्लास्ट। तो सही है, और पुलिस वाले आते जा रहे हैं और मारता मैं इनको जा रहा हूँ। तो चल निकल इधर से। भाई इनके तो वन टैप पड़ रहे, मेरी गाड़ी पे कहाँ कवर ले रहा है। सही में इसको भी तुम्हारे भाई ने धूल चटा दिया है। और एक हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ है। यार ये लोग तो बिन बात की दिक्कत दे रहे हैं, पुलिस वालों का आना बनता ही नहीं है यार। पुलिस वाले क्या ही करने आ रहे हैं बीच में। एल एस
ये कौन सी है? अच्छा LSPD है ना, हाँ इसको तो तुम्हारा भाई देख लेगा। और ये हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है बेटा, मैंने हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा। ओ भाई 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 भाई, ये तो कुछ ज्यादा तेज सर्विस निकली। देख रहे हो उतरते ही इसने सीधा पिस्टल निकाली और इसकी शॉट गन का बेटा कोई भी असर नहीं होने वाला। ये जो वेस्ट है ये अपने को लेस्टर ने दिया है, तो ऐसे तो हमें कोई भी अचानक से नहीं मार पाएगा। जब तक 100-200 गोलियां मिनी गन की नहीं पड़ेंगी ना, तब तक अपनी मौत नहीं होने वाली। तो चल निकल इधर से। दो तीन बंदे सामने की तरफ से फायर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और ओ भाई नहीं, यहाँ पर ये अलग ही सर्कस सा लेके आ रहे हैं अपना। देख रहे हो यहाँ पर ना स्वैट टीम भी आना शुरू हो चुकी है, और तुम्हारे भाई ने स्वैट टीम वालों को भी मार दिया है, और बाकी लेफ्ट और राइट से भी और बंदे आ रहे हैं। तो चल निकल इधर से। अरे यार सही में बहुत ज्यादा ही बंदे आ रहे हैं। वैसे माउंटेन पर इतने बंदे आने नहीं चाहिए। अब पता नहीं यार ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। ये ट्रेवर यहाँ पर है, ट्रेवर भी फाइट कर रहा, मैं भी फाइट कर रहा हूँ। और ये जो हेलीकॉप्टर है ना, इसको पहले बंद करना पड़ेगा। तो सही है, अब ये हेलीकॉप्टर पूरा बंद हो चुका है। अब एक काम करते हैं, अब भाग लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा गंदे वाली। और नहीं 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 नहीं, नहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदे हैं भाई 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 भाई, बहुत ज़्यादा ही बंदे हैं कुछ यहाँ पर। वो तो शुक्र करो तुम्हारा भाई जिगल एंड फायर कर रहा है, जिस करके हम लोग बच रहे हैं। तो ट्रेवर अब बैठ जल्दी से, जल्दी बैठ भाई गाड़ी में, जल्दी बैठ। अपने को यहाँ से जैसे तैसे निकलना पड़ेगा। और ये बंदा मरा नहीं आएगा, तू अब तो बेटा ख़त्म हो जाएगा। तो चलो सही है, अब हमने इधर मार तो दिया सबको। और यहाँ पर ना ये भी आ रहा है, एक लास्ट बंदा, तू भी इधर से मर जा। तो चलो गाइस सब जल्दी से अपनी मैकलेरन को यहाँ से मैं भगा लेता हूँ। और देख रहे हो ये लोग ना मेरा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। अरे यार एक तो पता नहीं भाई क्या ही दिक्कत है, जो पुलिस का कमिश्नर है उसको तो हमने ख़त्म कर ही दिया है जहाँ तक मेरे को पता है। और चल निकल इधर से, और तू भी ख़त्म हो जा भाई साहब। अब जल्दी से ना मेरे को जैसे तैसे इनके ऊपर स्टिकी बॉम्ब फेंकना पड़ेगा। आओ भाई जो भी आएगा अब ख़त्म हो जाएगा, सही में बता दे रहा हूँ। चलो निकलो इधर से। ओके तो गाइस यहाँ पर तुम्हारे भाई ने कुछ गंदे वाला धमाका कर दिया है। अब जैसे तैसे हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और एक मिनट, चल निकल इधर से यार। वो भाई जो मैकलेरन में इतनी ज़्यादा तगड़ी टक्कर मार दिया मैंने मैकलेरन से। देख रहा हूँ गाइस मेरे को लग रहा है ये जो आगे की तरफ इसमें प्रोटेक्शन गार्ड्स हैं वो और भी ज़्यादा ओपी हैं। एक काम करते हैं, जो गाड़ी सामने से आ रही है ना उसकी गाड़ी में हम लोग टक्कर मारेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलो यार ये ट्रक आ रहा सामने से, और अपनी जो मैकलेरन है सही में गाइस इसमें तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली पावर है। और चल निकल इधर से। अरे नहीं 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 यार इस पिग को मत मार देना बिल्कुल भी। और वो तो अपनी जान बचा के बेचारा भागने में लगा हुआ है। तो सही है, और बाकी ना जो जो मेरी शक्लें इस टाइम पर या गाड़ी गुड़ी जो भी देख रहे हैं ना, इनको पहले मेरे को निपटाना पड़ेगा। और कुछ बंदे यहाँ से आ रहे हैं बेटा, तुम्हें तो मैं ख़त्म करूँगा। चलो निकलो इधर से, और तू भी ख़त्म हो जा। तो सही है, बस यार एक बार ट्रेन आ जाए ना, तो ट्रेन में यार कुछ भी नहीं कर सकता अगर ट्रेन भी आ जाएगी तो। मैं सोच रहा था कि ये जो गाड़ी है इसको मैं जंप करा करके ट्रेन पे रख दूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस टाइम पर अपनी जान बचा करके पूरी स्पीड में भाग सकते हैं। और हाँ यार अपने को अपनी जान बचा कर जाना है लेस्टर के पास। अरे नहीं 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 भाई सही है यार, इतनी ज़्यादा टक्कर हो चुकी है इस गाड़ी पे। और इनको देख लो ये मेरे साथ ही रेस लगाने पे लगे हुए हैं। तो चलो ख़त्म हो जाओ इधर से। और हाँ यार ये हेलीकॉप्टर अपना पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, जैसे जैसे अपने को ना इनको पूरा ब्लास्ट करना पड़ेगा तब ना गाइस कुछ होने वाला है। गाइस यहाँ पर ना मैं अपनी गाड़ी को लेकर के बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, लेकिन ना पुलिस वाले अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। पूरे विलेज में लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन यार पुलिस वाले देख रहे हो यही बस घर नहीं जा रहे हैं। पता नहीं इनको क्या ही दिक्कत होगी है, ये तो आज मेरे को पकड़ कर ही जाएंगे जैसे ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। और ऊपर से अपने साथ है भी ट्रेवर है। तो चल निकल इधर से। अरे हट जाना भाई का दिमाग खराब कर रखा है इसने। देख रहो गाइस अब जल्दी से ना अपने को यहाँ निकलना पड़ेगा, लेकिन यार ये जाने नहीं दे रहे हैं। अभी ये विलेज की पुलिस है तो थोड़े कंट्रोल में है, लेकिन अगर मैं सिटी में जाऊँगा तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली पुलिस आ जाएगी। तो एक काम करना पड़ेगा ना, आपको भी पता है हम लोग चलते हैं इस टाइम पर टनल पे, तभी हम लोग फंस सकते हैं। और टनल का रास्ता जहाँ तक मेरे को याद है भाई सोचना पड़ेगा। ड्राइवर तू भी सोच, मैं भी सोच रहा हूँ, पर इसको फोड़ो पहले, ये कुछ ज़्यादा रेस लगा रही है अपने सामने। यार बहुत ज़्यादा टाइम मेरे को यहाँ पर ना अपनी गाड़ी भगाते भगाते हो चुका है, और ट्रैवलर कह रहा है कि बस यार और भगा। इसने ना मैप पे देख लिया जो टनल है वो सामने है, और फाइनली गाइस मेरे को एक टनल तो मिल चुकी है। और बस यार आगे पीछे से ट्रेन ना आ जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदे वाली प्रॉब्लम हो जाने वाली है। और हम लोग इस टनल के अंदर आ चुके हैं, और बाकी ये टनल, अरे यार आगे एक टनल है। तो सही है, अब मेरे को लग रहा है कि ये कौन सी टनल है।
देख रहे हो ये माउंटेन के बीच वाली टनल है, ये माउंट चिलियाड नहीं है, ये कोई और माउंटेन है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं जल्दी से यहाँ से अपनी गाड़ी को भगा करके। यार अपने को थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा पुलिस से। और बाकी ट्रेन तो नहीं आ रही है ना? नहीं 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 ट्रेन बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो चलो सही है गाइस, मैं ना यहाँ पर अपनी गाड़ी को रोक करके ना वेट करने वाला हूँ। जब तक पुलिस नहीं हट जाती है तब तक हम लोग नहीं जाने वाले। और बाकी अभी तक तो मेरे को ना कोई पुलिस का सायरन वगैरह सुनना ही नहीं दे रहा है। तो ड्राइवर यार एक काम कर, मैं तो इस पेड़ के कवर में हूँ, तू भी यहाँ पर चुप जा। जब भी यार पुलिस वगैरह हमें लगेगा कि हेलीकॉप्टर अपने पीछे नहीं आ रहा है, पुलिस नहीं आ रही है, तब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। गाइस अब सब कुछ मेरे को नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि ना आधा घंटा हमें यहाँ पर हो चुका है वेट करते करते और पुलिस का एक भी बंदा यहाँ पर नहीं आया है। अंदर से तो आवाज वगैरह आ रही थी लेकिन यार पुलिस नहीं आई है। तो सही है, ट्रेन भी अब जा रही है। मन तो कर रहा है कि ट्रेन के ऊपर मैं जंप करके चला जाऊं आराम से ना, मैं लेस्टर के घर के जो रेलवे ट्रैक क्लोज है वहां तक तो जंप कर ही दूंगा। लेकिन वही बात है ना, ड्राइवर भाई आपको पता है थोड़े से पागल से दिमाग का है, और ये अपनी गाड़ी को अगर ड्राइव करेगा, अगर अकेला ये अपनी गाड़ी को ड्राइव करेगा तो पक्का ठोक ही देगा इधर उधर। लेकिन मेरे से तो बढ़िया चलाता गाड़ी, कुछ भी बोलो। अब जल्दी से ना गाइस मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ, चलता हूँ सीधा लेस्टर के घर पे। और जहाँ तक मेरे को याद है वो रास्ता यहाँ से लेफ्ट में पड़ जाएगा। अरे पड़ जाना चाहिए यार। हाँ भाई यहाँ से हम लोग ना जैसे तैसे अपनी गाड़ी को निकाल लेते हैं। अब सही है, अब सब कुछ नॉर्मल है। और बाकी पुलिस वालों को इतना पता होगा कि एक मैक्लारेन है येलो कलर की, क्योंकि पूरे लॉस एंटोस में ये जो मैक्लारेन है एक ही मैक्लारेन है। तो अपने को ना थोड़ा संभल कर चलाना पड़ेगा। और ये किसके खरगोश हैं यार, इनको पकड़ के रखो ना, पता नहीं किसने आजाद छोड़ रखा है। तो चलो गाइस अब जल्दी से अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ से भगाते हैं, चलते हैं सीधा लेस्टर के घर पे और मारूं भाई ये लड़ने आ रहा है। एक मिनट आ जा ड्राइवर, तू इसको बताएगा कि मैं बताऊँ? मार इसके भाई, बजा दे यार, देखा जाएगा। उसको ही देख लो, वो अलग ही टार्जन वगैरह अपने। और हाँ ये तो देखो टार्जन 2.0 बना रहा है। एक मिनट, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, इसकी हिम्मत कैसे हुई? जब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी लेकर के उसके बावजूद भी इसने जान मुझ की टक्कर मारी है। मैं मानता हूँ गलती मेरी है, लेकिन यार ये उतरा कैसे लड़ने के लिए? आवाज़ तो यहीं कहीं से आ रही है। बेटा तो जंगल में भाग, जंगल में ना नंगा करके इसको मैं पीटने वाला हूँ। इसको भागने दो, पिस्टल रखने, स्टन गन है अपने हाथ में, तो डरने कोई भी बात नहीं है। और इसके ना बजा देता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा मिस हो चुका है। और यार ये कहाँ भागेगा? चल निकल इधर से, ये फ़ोन कर रहा है भाई। एक मिनट, ये पुलिस को शायद से फ़ोन कर रहा है। गाइस मैं भागता भागता इसके क्लोज तो आ चुका हूँ। और यहाँ पर यार तुम्हारे भाई ने स्टन गन तो चिपका दिया, लेकिन यार इसको असर नहीं हो रहा है। पता नहीं भाई क्या दिक्कत है इस बंदे को। चल निकल बेटा, अब तो होगा बहुत ज़्यादा गंदे वाला असर। और अभी भी भागने की हिम्मत करी ना तो सीधा स्टन गन मुंह पर ही चिपका दूंगा। तो चलो गाइस मैं दूर से इसको ट्राई कर रहा था स्टन गन को, ये काम नहीं कर रही थी। अब सही है, अब तुम्हारे भाई ने इसकी स्टन गन चिपका दिया है। अब हम लोग ना आराम से जा सकते हैं सीधा लेस्टर के घर पे। चलो यार फाइनली ना ड्राइवर के साथ मैं अपनी गाड़ी में वापस से बैठ चुका हूँ। और बाकी ये क्या, अरे यार ये पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस है शायद से ही यहाँ पर कंट्रोल कर रहे होंगे। इनकी अलग ही लड़ाई हो गई है, पता नहीं यार, खुद बेचारे मरे पड़े हैं। कोई कर लेगा एम्बुलेंस को कॉल तो उनकी डेड बॉडीज वगैरह को भगवान शांति दे। और हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधा लेस्टर के घर पे। चलो गाइस यार इस समय पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर के पहुँच चुका हूँ सीधा लेस्टर के क्लोज। और हाँ यार आपको पता है लेस्टर अकेला रहता था अपने घर पे, और इस टाइम पर अपनी फैमिली टॉमी सीजे रेसर सबके सब लेस्टर के साथ रह रहे हैं। तो लेस्टर को भी रहने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हम लोग क्या काम करते हैं ना यार, इस गाड़ी को अंदर लेकर के चलते, क्योंकि ना पुलिस को पहचान है अपनी मैक्लारेन की। और हट, अरे यार आंटी पीटूंगा गंदे वाला, अगर दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा। वैसे यार सर्विस की ज़रूरत तो है अपनी गाड़ी को, तो वो भी हम लोग करवा लेंगे। और यहाँ पर क्या चल रहा है? एक मिनट, पहले अपनी गाड़ी को मैं कर देता हूँ पार्क। तो सही है, आ जा भाई ड्राइवर, या तो तू बाहर वेट करने वाला ड्राइवर है भाई, लेस्टर से बनती बिल्कुल भी नहीं है, ज़बरदस्ती मेरे मुँह पर आ जाता भाई। और देख रहे हो यहाँ पर जिमी कुछ क्लैप कर रहे हैं, रेसर और लमार यहाँ पर टूर्नामेंट कर रहे हैं आपस में, पुशअप का चैलेंज कर रहे हैं। और फ्रैंकलिन की तो बॉडी ही बहुत ज़्यादा मस्त है, और फ्रैंकलिन यहाँ पर अपना वर्कआउट कर रहा है। और कितने कितने पुशअप हो गए हैं यार तुम्हारे? ओके तो गाइस 500 पुशअप्स का चैलेंज है, लमार के 400 हो चुके हैं, रेसर तो 1000 से भी ऊपर कर चुका है, वो भी आधे घंटे के अंदर अंदर। तो कमाल की बात है, अब हम लोग भी चलते हैं अंदर, क्योंकि ना मेरी फ्रैंकलिन से भी पूरी बात हो चुकी है और वो कह रहा है कि वो लोग अंदर ही बैठे हैं, मीटिंग चल रही है लेस्टर की भाई। और जल्दी से ना हम लोग चलते हैं, और बाकी अपनी फैमिली भी यहीं कहीं है। और भाई फैमिली यहाँ पर है, और देख रहे हो यार ये ट्रेसी ड्रिंक्स देख रही है, यार इसकी उम्र है क्या ड्रिंक्स देखने की? और अमेंडा उसको देख रही है, यार इसको कुछ समझाना चाहिए।
गंदी चीज को देख रही है भाई, ड्रिंक्स वगैरह को। तो चलो गाइस यहाँ पर अपनी टीम है, इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं और जो भी आज हुआ है इनको बताते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पर ना मेरे को 2 घंटे हो चुके हैं लेस्टर के घर में टाइम पास करते करते, और लेस्टर से अपनी पूरी बात भी हो चुकी है। और लेस्टर बोल रहा है कि देख भाई माइकल, इस टाइम पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है वो जो हैकर फ्रेंड है ना, उसी का हाथ हो सकता है तेरे ऊपर बंदे भेजने का, क्योंकि ना वो भी एक हैकर रह चुका है और लेस्टर से ऊपर वाला हैकर है। जितनी पावर लेस्टर के पास है उससे ज्यादा पावर उसके पास है। तो गाइस वो हमारी लोकेशन को ट्रेस कर लेता है और उसके बाद अपने ऊपर अटैक करवा देता है। और वैसे आप देख ही होंगे रात बस होने वाली है, तो यार ट्रेवर अपने घर जा चुका है और हम लोग क्या काम करते हैं, अपनी काउटैच को उठाते हैं। इतने दिनों के बाद काउटैच में बैठ कर हम लोग यहाँ से चलते हैं अपने न्यू वाले घर पर, और वहाँ पर ना कोई भी नहीं है इतने दिनों से। तो लेस्टर बोल रहा है कि माइकल तू वहाँ पर जा और वहाँ देख यार कोई बिल्ली उल्ली तो नहीं घुस गया ना कमरों में, तो थोड़ा जाकर सफाई वगैरह कर दे, और वहीं पर मैं सो जाऊँगा और सुबह मिलूंगा गाइस लेस्टर को। क्योंकि ये कह रहा है कि सुबह हम लोग पूरी प्लानिंग वगैरह करेंगे कि अपने कितने दुश्मन हैं, हमें किससे किससे फाइट करनी है और क्या क्या सीन है। चलो गाइस यार इस टाइम पर ना मैं अपनी गाड़ी को लेकर के अपने घर पर तो पहुंच चुका। हट जाना भाई, दिमाग खराब कर रहा है, तो ना थका हुआ मैं पहले से हूँ, ऊपर से ये अलग ही लगे हुए हैं। और इस टाइम पर गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर अपने घर पर कोई भी हुआ, कोई भी यार जैसे आस पड़ोस का, पिस्टल बजा दूंगा गंदे वाली। और ये आंटी आज फंस गई है, इसको देख लो, इतनी रात हो रही है घर नहीं जाना है इसको, यहाँ पर ना पता नहीं पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवानी है मेरे गमलों से। चल निकल इधर से, पूरा दिमाग खराब कर दिया है। अब चलते हैं गाइस हम लोग भी अंदर, और हाँ यार अंदर से मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लूंगा। और इतने दिनों के बाद अपने घर पर पहुंच चुके हैं और कहीं पर कोई बिल्ली तो नहीं है ना, क्योंकि लेस्टर कर था लास्ट टाइम यहाँ पर एक बिल्ली और एक डॉग फाइट कर रहे थे, और अभी तक तो मेरे को कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो चलते हैं गाइस सोने के लिए, और हाँ पहले मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ अपने। यार सही में इस टाइम पर मैं नहा धो करके रेडी हो चुका हूँ, और आप सोच रहे हो कि अगला दिन हो चुका है, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। मैं सो रहा था आराम से और मेरे को उस पॉलिटिशियन का कॉल आया, खुद भाई मेरे नंबर पर। पहले उसने लेस्टर को तंग करा, लेस्टर ने बोला कि मैं नींद में हूँ भाई, मैं उस बंदे का नंबर ही तुम्हें दे दे रहा हूँ, और फिर लेस्टर ने मेरा नंबर दे दिया। और गाइस पूरी रात हो रही है बाहर, रात के बज रहे हैं 2 या 3, मतलब सुबह के 2-3 बज रहे हैं, और उस बंदे को न जाने पता नहीं गाइस क्या काम है अपने से। वो बोल रहा है कि देख भाई जल्दी से माइकल मेरे घर आ जा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। पता नहीं गाइस क्या हुआ उसके साथ, बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। अब जल्दी से ना गाइस अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से भगाता हूँ और पहुँचता हूँ उस पॉलिटिशियन के घर पे। तो गाइस यार इस टाइम पर हम लोग पहुँच चुके हैं सीधा उस पॉलिटिशियन के घर के क्लोज। अब मेरे को पता नहीं भाई उसको क्या इतनी रात में काम है, लेकिन एक मिनट भाई साहब, एक मिनट यार, इस लाइट को मैं क्लोज कर देता हूँ भाई अपनी गाड़ी की, और यहाँ पर अपनी गाड़ी को कर देता हूँ पार्क, और बाहर पुलिस खड़ी है घर के। लेकिन कोई तो खतरनाक वाला सीन हुआ है मेरे को ऐसा लग रहा है। तो जल्दी से ना एक काम करता हूँ, पहले ना मैं इस पेड़ के कवर में आ जाता हूँ, और हाँ यार यहाँ पर पुलिस वगैरह है। अब मेरे को ना गाइस बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आज हमने जो पुलिस से फाइट करी है ये सब उसके लिए है कि क्या सीन है। और एक मैं काम कर लेता ना, पहले उस पॉलिटिशियन को कॉल करके पूछता हूँ, सर आपको क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ। यार मेरी उस पॉलिटिशियन से बात हो चुकी है, और वो बोल रहा है कि तेरे को एक फ़ोन पर सुनाई नहीं दिया क्या, मैंने तेरे को जब बुलाया अंदर तो जल्दी आ जा, तो बाहर खड़ा करके क्या कर रहा है, मैं भूल ही गया था उसके पास तो यहाँ पर कैमरे वगैरह सारे लगे हुए हैं। और देख रहे हो यार यहाँ पर 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और वो टेरजो 2.0 के लिए तो नहीं है ना कुछ, कहीं उसमें कोई गड़बड़ निकल गई और इसने पुलिस बुला ली हो। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ना कोई गाड़ी के लिए पुलिस थोड़ी बुलाएगा, और रात के टाइम भी गाइस सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी है इसकी। और वो अपना वेट थोड़ा सा ना बाहर की तरफ कर रहा है, तो जहाँ से ना हम लोग गए थे ना लास्ट टाइम बाहर, वहीं से अपने को जाना, तो सर अपने को जाने दो। एक तो पुलिस वाले यहाँ पर हैं, पूरी पॉलिटिशियन की सिक्योरिटी है, और ऊपर से मेरे कपड़े देखो गाइस, मैं नाइट सूट में यहाँ पर आ गया हूँ। यार मैं क्या ही बताऊँ, सिचुएशन कुछ ऐसी थी, पूरे रात का टाइम पूरा बाहर तो सुनसान है, इसको पता नहीं क्या चुल मची है रात के टाइम। और देख लो एक पुलिस वाला सामने, और बाकी के पुलिस वाले शायद से यहाँ पर ड्यूटी पे नहीं है, या तो इधर उधर होंगे, और सिक्योरिटी इसके बहुत ज़्यादा है, और वो चिल्लाने में लगा हुआ है। एक बार उसके पास चलते हैं, बातचीत करते हैं, और देखते हैं इसे पूछ के कि क्या दिक्कत हो गई, इतनी रात को इसने अपने को क्यों फ़ोन करके बुलाया। गाइस मेन दिक्कत यहाँ पर मेरे को सब कुछ समझ आ गया, इसने अपने को यहाँ पर क्यों बुलाया। ये कह रहा है कि देख तेरे को पता है कि मेरे पास $1,000,000 का ड्रग्स था, वो आज मेरा चोरी हो चुका है,
और तू ही आज रैंडम था हमारे घर में आया था। और हाँ यार, तू ही गाड़ी रिपेयर कर कर हमें वापस से दे कर के गया, और तेरे को पता था कि हमारे घर में ड्रग है, लेकिन वो सारा का सारा चोरी हो चुका है। और गाइस हम इसको बोल रहे हैं कि यार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, शुक्र करो गाइस हमने सही में ड्रग नहीं चुराया। और ये कह रहा है कि उसके लिए मैंने पुलिस वालों को सब कंप्लेंट कर दिया है, और बस यार मैंने इसको मना कर दिया, और मैंने बोला कि सर मैं तो गाड़ी वगैरह बेचता हूँ, मैं ड्रग क्यों चुराऊंगा यार, तुम्हारे इतने बड़े बंदे हो तुम, मैं क्या ही करूँगा, छोटा सा एक नॉर्मल आदमी। तो गाइज मैंने ना इनसे बात वगैरह तो क्लियर कर ली, अब निकलते हैं यहाँ से। और बाकी कह रहा है कि एक मेरे को तेरी और गलती लगी, क्योंकि तू बाहर की तरफ वेट करता रह गया, और मैंने जब तेरे को कैमरे पे देखा तो मैंने ही तेरे को कॉल करा, क्या इसी अभी की बात कर रहा है। तो बाकी ना ये कह रहा है कि ठीक है प्रसाद तेरे को मिलेगा थोड़ा सा, क्या प्रसाद मिलेगा भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा। और देख रहे हो यहाँ पर ये सिक्योरिटी गार्ड वाले भाई, नहीं 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 अरे अरे भाई प्रसाद, इसका मतलब ये था क्या प्रसाद? अरे यार मेरे को सही में कुछ भी समझ नहीं आया यार, मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने नहीं करा ये सब, बिन बात के ये लोग मेरे को पीट रहे हैं, लेकिन इस टाइम पर मैं गन निकालूंगा ना तो पुलिस भी उसके साथ है। भाई 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 जल्दी से मेरे को ना यहाँ से निकल लेना चाहिए, इससे पहले कि ये लोग मेरे को जान से मार दें। अब जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। सर जाने दो ना यार, कोई नहीं बेटा थोड़ा आगे आओगे ना पीटूंगा बहुत ज़्यादा गंदे वाला, लेकिन यार अगर मैंने एक भी बंदे को हाथ लगा दिया तो समझ रहे हो अपनी गेम बजा करके रख देगा वो पॉलिटिशियन। तो अपने को क्या काम करना है, यहाँ से अपनी गाड़ी को भगाना है। यार आधी रात को अपने को मारने के लिए बुलाया था क्या उसने? अब मेरा पूरा दिमाग खराब हो चुका है, मैं ना लेस्टर को कॉल करूंगा, उससे पूछूंगा भाई मेरी गलती क्या है बता दे जल्दी से। सही में गाइस मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि ड्रग किसी और ने चुराया, धुलाई अपनी कर दिया है, यार मेरा पूरा सही में दिमाग खराब हो गया है। और हाँ यार अभी तो लेस्टर सो रहा होगा, उसके पास मैं सुबह चलने वाला हूँ, और आज तो मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली है। तो चलो गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाकर के जरूर से लाइक कर देना, लाइक पूरे 15,000 लाइक का है। अगर आप चैनल पर न्यू है चैनल को भी जरूर से ना गाइस सब्सक्राइब कर लो, 2,70,000 के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तो चलो यार मिलते हैं बहुत ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।